भारत की भूमि पर एक ऐसा लाल हुआ था जिसने अपने माता पिता को कांधे पर बिठाकर सारे तीर्थ करवाए थे। इतिहास में उस महान शख्स को श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है। लेकिन कलयुग में भी एक ऐसा राजनेता है जिसने श्रवण कुमार की उसी सोच की याद दिला दी है और सारे तीर्थों का सुख अपने प्रदेश के बुजुर्गों की सेवा करने में बिताने का संकल्प लिया है। उस राजनेता का नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए इस पर हमारी यह खास खबर। मैं मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पे पहली बार जा रहा हूँ। और एरोप्लेन में पहली बार बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभारी। एक बात से हर कोई वाकिफ है कि जिस धर्म में व्यक्ति ने जन्म लिया है वो अपने आराध्य के पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन का सपना संजोए रहता है, लेकिन कई बार उनकी परिस्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं हो पाती है। बस इसी दर्द को समझने का काम किया है मध्य प्रदेश के श्रवण कुमार कहलाने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, जिन्होंने अब अपनी तीर्थ दर्शन योजना के जरिए हवाई जहाज से बुजुर्गों को अपने आराध्य के दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम सबको। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार हवाई जहाज के जरिए तीर्थ दर्शन योजना की पहली फ्लाइट भोपाल एयरपोर्ट से 21 मई को प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। वहीं अब इंदौर से आगर मालवा के 32 तीर्थ यात्रियों का दल भी हवाई जहाज के जरिए ही शिरडी के लिए रवाना हुआ है, जिनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं भी दी है। वो सोच है जो कि उन व्यक्तियों तक के सपनों को साकार करने का काम कर रही है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी फ्लाइट में बैठ पाएंगे और उनके जरिए अपने आराध्य के दर्शन कर वापस सपनों के बीच अपने घर लौट पाएंगे। लेकिन उनके सपने को सच में बदलने का काम किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।